चलती ट्रेन में अगर रेलवे का टीटीई आकर आपसे टिकट मांगता है तो पहले आप ये जरूर समझ ले कि कहीं वह नकली टीटीई तो नहीं है। इन दिनों ट्रेनों में नकली टीटीई बनकर वसूली करने वाले कई लोग सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक नकली टीटीई बनकर यात्रियों से वसूली करने वाले एक व्यक्ति का यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है, जिसके बाद जीआरपी ने वीडियो के आधार पर सिवनी जिले के ग्राम बरेली का रहने वाला राजकुमार यादव, जो कि टीटीई की ड्रेस पहनकर वसूली कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार यादव नैनपुर जबलपुर 05706 पैसेंजर ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से टिकट की जांच कर रहा था। यात्रियों को शक हुआ कि टीटीई बनकर चढ़ा व्यक्ति जुर्माना वसूलने की वजह सीधे रुपए की मांग कर रहा है। यात्रियों ने टीटीई से उसका आईडी कार्ड मांगते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो वह भागने लगा। यात्रियों के हंगामा करने पर नकली टीटीई बना राजकुमार यादव कालादेही स्टेशन पर उतरकर भाग गया। जीआरपी ने युवक के विषय में पता किया तो उसकी पहचान सिवनी जिले के थाना घसौर के ग्राम बरेली के रूप में हुई है। जीआरपी की जांच में सामने आया है कि आरोपी राजकुमार यादव के पिता रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उसे पता था कि टीटीई किस तरह से काम करते हैं और किस तरह की ड्रेस पहनते हैं। नकली टीटीई ने बकायदा सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, काला बैग टांगा हुआ था। राजकुमार नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ते हुए यात्रियों से टिकट मांगना शुरू कर दिया। जिनके पास टिकट नहीं था उनसे जुर्माना वसूलने की जगह सीधे रुपए की मांग की जा रही थी। आरोपी की पहचान सिवनी जिले के बरेली ग्राम निवासी के रूप में हुई है। आरोपी को नैनपुर जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पिता रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए उसे पता था कि किस तरह से टीटीई काम करते हैं।